Hey guys, welcome back to my new video. You guys absolutely fine. आज हम जा रहे हैं अंदरबन जंगल ट्रैक करने और अभी हम मुलची तक पहुंचे हैं। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। रास्ते का थोड़ा व्यू दिखा दूंगा। जादू रोड से पूरा मुलची लेकर जो व्यू आता है ना, वो और खूबसूरत कर देता है। बारिश जब पड़ती है ना, बारिश जब पड़ता है रोड पे, चमकता है रोड। अमनी घाट रुकने के बाद अलग वाइब आता है। यहाँ से हम लोगों को जाना है अंदर। यहाँ पर अंदरबन अंधारबन लिखा हुआ है। डार्क फॉरेस्ट हाँ, व्यू का एंजॉय करते करते आ गया, समझ में नहीं आया। अंगुलिका वैली है, इसके अंदर जाने का चार्ज लगता है। ये है अंदरबन चार्जिंग। एंट्री फीस है क्या यहाँ का? हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, इसकी वजह से पर पर्सन 1500 रुपये चार्ज। जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है अंदरबन जंगल ट्रैक का, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। जैसा आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पर जो एंट्री चार्ज है 50 रुपया पर पर्सन है, ऐसा रहेगा। और एक चाय फ्री दे रहे हैं ये लोग। 50 रुपया टिकट अभी फिलहाल आज के डेट में है। आगे हो सकता है ये बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि प्राइवेट है ये लोग का। और आगे अंदर जाने के बाद फॉरेस्ट का अलग से चार्ज है, 140 का है। चल के देखते हैं, वही बताऊंगा मैं आपको। वहाँ पर हमने बाइक पार्क कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर चाय मिलेगा आपको फ्री। पहले चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं ट्रैक करने। छोड़ नहीं सकते, फ्री है भाई, फ्री छोड़। 50 रुपये की चाय भाई। मैंने पिछले साल कुंडलिका वैली का वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उधर ही मैं आया हूँ और ये सब एरिया मैंने कवर किया था। अंदरबन जंगल ट्रैक के बारे में मुझे नहीं पता था कि इधर से ही रास्ता है। आज चलते हैं अपन अंदरबन जंगल ट्रैक और आपको दिखाते हैं। धूप भी निकली है तो मौसम क्लियर है, अभी अच्छा लग रहा है। घर चाय वगैरह पी के हम फ्रेश हो गए लोग। जब फॉरेस्ट में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर कैमरा वगैरह और ड्रोन वगैरह के लिए परमिशन चाहिए होता है, प्रोफेशनल कैमरा हो गया या फिर कुछ भी। तो अभी जाके देखते हैं वो लोग देते हैं कि नहीं। ये गोप्रो को भी छिपाना पड़ेगा मुझे। फ़ोन वगैरह अलाउ है, फ़ोन वगैरह से जो भी करना है आप कर सकते हैं। जाना है इधर जाना है। खैर बोर्ड तो लगा ही हुआ है, वो ऊपर छुपा लेता हूँ। वो सामने दिख रहा है ना आपको घर, वहीं पर है। मैं बताता हूँ आपको वहाँ से निकलने के बाद। नहीं, रास्ते पे हो, रास्ता दिखाते बोलो। मैंने अंदर आके गोप्रो अपना निकाल लिया, गोप्रो अंदर रख दिया था। हो सकता था कि गोप्रो देखें तो उसका भी वो अलग से चार्ज लेते हैं। यहाँ पर पूरा ऐसा स्लाइड है, मतलब ये अगर नहीं लगा रहा था थोड़ा सा स्लिप हुआ रहता सीधे अंदर। इधर सामने ब्रिज है, वहाँ क्रॉस करके जाना है। किलो किलो पानी मीठा पानी है, अच्छा पानी है। अभी तो पीछे आपने देखा वो ब्रिज था। वो ब्रिज जब बारिश होती है ना कुछ दिखता नहीं है, पूरा फॉग फॉग होता है, मैंने व्लॉग में देखा था। फिर आज मौसम खुला है, व्यू पूरा क्लियर दिख रहा है।
ये सब जो है ये हेवी रेन में ज़्यादा रिस्क हो जाता है क्योंकि स्लिपरी बहुत है। तो देखो ये देखो कितना हरा हरा हो गया, ये यहाँ पर लगाया गया है सावधान, क्योंकि यहाँ पर फिसलेंगे तो शायद सीधे जा रहा है खाई में ये रास्ता। हाँ ये पकड़ के जाने के लिए बनाया है, ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है। कुंडलिका वैली का पॉइंट जो रास्ते में वही रोड है ना, उधर से हम लोग आए हैं बाइक लेके और उधर गाड़ी पार्क किए हैं आगे, फिर घूमते हुए जंगल ट्रैक करते हुए यहाँ तक आए हैं लोग। वहाँ से भी कुंडलिका वैली दिखता है और इधर से भी कुंडलिका वैली दिखता है। तो मैंने उसका वीडियो बनाया है प्रॉपर बिना ट्रैक करके बाइक पार्क किया, और जो एंट्री है वहाँ पे भी लगता है कुछ फीस लगता है उसका चार्ज। अच्छे पॉइंट में से ये एक जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है और भी आगे अंदर अंदर है, थोड़ा सा और चलना है। कहा जा रहा है कि जो भी अच्छा पॉइंट में से है ये ही है लास्ट। थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं कुछ व्यू, चलो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग आगे जाएंगे तो ऐसे जंगल फॉरेस्ट दिखता रहेगा, और आगे जाके करीबन 10 किलोमीटर के अराउंड 8-10 किलोमीटर के अराउंड एक वाटरफॉल मिलेगा आपको। तो लोग बोल रहे हैं कि उसके लिए बहुत चलना पड़ेगा आपको, अगर आपको वो वाटरफॉल ट्रैक करना है तो आप जा सकते हो, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वापस भी आना है आपको तो टाइम लगेगा। जो मेन घना जंगल है अंदरवन ट्रैक का, पूरी तरीके से वहाँ पर धूप की रोशनी नहीं पड़ती है, जब थोड़ा सा शैडो होता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है, और बारिश में तो बहुत ही अंधेरा दिखता है जब क्लाउडी डे होता है, बारिश होती रहती है। तो इसके लिए वजह से ही इसका नाम रखा गया है अंदरवन जंगल ट्रैक, क्योंकि अंधेरा रहता है यहाँ पर बारिश के टाइम में। 140 रुपीज पर पर्सन चार्ज, मतलब 280 रुपीज और 100 रुपीज 380 रुपीज हम लोग का लगा है, जिसमें दो चाय मिला था हम लोगों को। तो ठीक है फिर, अब हम यहाँ से हम लोग रिटर्न जाएंगे लोग। एंटार्क है क्या ये? ये एंटार्क ही है, एंटार्क जुगनू कलर की एंटार्क 125 cc। प्रधान की याद आ गई, प्रधान तुम्हारी याद आ गई। एंटार्क तो 3 बजे के बाद एंट्री बंद है यहाँ पर, कोशिश करना पहले आ जाना। तो मान लो 11 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, 3 बजे तक हम लोग वापस आ गए लोग। तो ठीक है फिर, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।